नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIAEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 2 में हिंदी पुस्तक के पाठ 8, रिमझिम के पाठ 8, तितली और कली के बारे में नवाचार प्रश्न बैंक के क्रियान्वयन का हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं इस कविता का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कविता है तितली और कली की आपसी बातचीत पर आधारित है। नवाचार की जो नवीनता है वह ये है कि छात्र जो पढ़ाया गया पाठ है उसे संबंधित प्रश्नों का निर्माण करते हैं और जो छात्र हैं वह समूहों में होते हैं। इस वजह से एक बड़े प्रश्न बैंक का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ में उसके उत्तर का भी निर्माण करते हैं और फिर एक दूसरे से वे साझा करते हैं, जिससे उनमें जो इसे जो पाठ पढ़ाया गया था इसे संबंधित उन्हें अध्ययन की पुनः अध्ययन में आसानी हो जाती है और वे इसे आसानी से याद रख पाते हैं। जो नवाचार का क्रियान्वयन है वह नवाचार का क्रियान्वयन भी इसी तरीके से किया जाता है, जिसमें जो प्रश्न है प्रश्न बैंक बनाया जाता है, पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न एकत्रित किए जाते हैं समूह में और उसके बाद बड़े प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाता है। जो इसको नवाचार के क्रियान्वयन की जो अवधि है वो 20 मिनट की होती है। साथ ही साथ में इसमें जो पुनः पूर्व प्रबंधन होता है उसमें पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। जो शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश है वह निर्देश ये है कि जो छात्र हैं उनके जो समूह बनाए जाते हैं उसकी संख्या 7 होती है। 7 अलग अलग समूह में छात्रों को अलग अलग पाठ दिया जाता है। इसके बाद उन्हें प्रश्न बनाने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक समूह अपने अपने जो छात्र उसमें से उपस्थित होते हैं उनसे अलग अलग प्रश्न पूछता है। उसका एक लीडर भी बना दिया जाता है और लीडर जो सारे के सारे प्रश्न होते हैं उनको एक जगह पर एकत्रित करता है। साथ ही साथ उनसे ये भी कहा जाता है कि वे उसके उत्तर भी साथ ही साथ में ढूंढ के रखें और उसकी एक कुंजी बनाए, उसकी उत्तर कुंजी होती है। और सभी जो समूह होते हैं जो उनके लीडर होते हैं उनसे वो सारे के सारे प्रश्न बुलाए जाते हैं और शिक्षक फिर उसे एक जगह पर एकत्रित करते हैं, जिससे कि एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके के प्रश्न इसमें तैयार किए जाते हैं। जैसे कि जो प्रस्तुत पाठ है वह है तितली और कली। तो जब तितली कली के पास आती है तो एक डाल होती है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो डाल है, प्रश्न बनाया जा सकता है कि जो डाल है वो किस रंग की है, तो उत्तर है हरी। जैसे ही जैसे तितली कली के पास आती है तो जो कली है वो तितली को कैसे लगी, तो उसका तो उत्तर है भली। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं जिससे कि प्रश्नों का एक बैंक इस पाठ प्रस्तुत पाठ के आधार पर तैयार किया जा सकता है। इसके बाद हम आगे बात करें कि जब इस नवाचार को क्रियान्वयन किया जाता है तो उसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है। तो इसमें जो लाभ और प्रतिफल प्राप्त होते हैं निष्कर्ष में वह यह है कि जो छात्र हैं उनको आपसी बातचीत में जो आपसी उनकी पारस्परिक जो उनकी बातचीत है वो ज़्यादा हो पाती है, जो झिझक होती है वो कम खत्म हो पाती है। साथ ही साथ में वह नए नए प्रश्न बनाने के लिए तैयार हो पाते हैं और जो पढ़ाया गया पाठ था उसको अपनी भाषा में भी बताने का वो सीख पाते हैं, तर्क यहाँ पर वो सीख पाते हैं। इतनी तरीके की चीज़ें वह यहाँ पर सीख पाते हैं जिससे उनको लाभ होता है। जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनके लिए भी उनको भी इसमें समावेशी शिक्षा में इसमें क्रियान्वयन में किया लिया जा सकता है। जो पाठ प्रस्तुत पाठ पढ़ाया गया था वह उसे सुनकर सुनने के बाद इसे जो प्रश्न बनाए गए हैं उसके उत्तर सुनकर वह प्रश्न भी खुद से भी वो बना सकते हैं और जो दूसरे छात्र हैं उनका सहयोग भी इसमें ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये नवाचार क्रियान्वयन इस तरीके से किया जाता है और इस तरह हम आशा करते हैं जो नवाचार है अपने विद्यालय में आप जरूर क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में नीचे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।